वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको ट्यूटोरियल की चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज ARY नेटवर्क के हवाले से एक अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ARY नेटवर्क जो कि 67.105 डिग्री ईसी बैंड सेटेलाइट से ऑफ हो चुका है। 30 सितंबर 2024 तक तो 67 पर चलता रहा है, लेकिन 30 सितंबर के बाद 67.105 डिग्री ईसी बैंड सेटेलाइट से ARY का मुकम्मल नेटवर्क, जिसमें ARY न्यूज़, ARY डिजिटल, ARY फैमिली चैनल चलते हैं, वो शिफ्ट हो चुका है आफ्टर 76 डिग्री ईसी बैंड। दोस्तों, यहाँ पर जो यूज़र हैं, स्पेशली जो 4 फीट वाले यूज़र हैं, जो कि 67.105 डिग्री ईसी बैंड सेटेलाइट को 4 फीट एंटीना पर इंजॉय कर रहे थे, स्पेशली ARY नेटवर्क के तमाम चैनल 60 से 70% सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ रिसीव करते थे। लेकिन अभी एक इशू है कि आफ्टर 76 डिग्री ईसी बैंड जो सेटेलाइट है, यहाँ पर जो इसकी वर्किंग फ्रिक्वेंसी है ARY नेटवर्क की या ट्रांसपोंडर है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तकरीबन 60 से 70% ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर 4 फीट पर ARY का नेटवर्क या आप आफ्टर 7 को कह सकते हैं कि वो रिसीव नहीं हो रही। तो आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारे लोग शेयर कर रहे हैं कि फ़लाँ RNB लगाएँ, ये करें, वो करें, 4 फीट पर सेट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास 4 फीट एंटीना मौजूद है और आप ट्राई कर करके थक चुके हैं, आपके पास आफ्टर 76 डिग्री ईसी बैंड सेटेलाइट के सिग्नल नहीं आ रहे, ARY नेटवर्क नहीं आ रहा, तो अब आपने उसका क्या सलूशन निकालना है। क्या आपने डिश चेंज करनी है या आपने LNB चेंज करनी है? अगर LNB चेंज करनी है तो कौन सी LNB आप लगाएंगे, जो लगाने से आपके पास आफ्टर 7 और ARY नेटवर्क के सिग्नल आ जाएंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सेटेलाइट डिश एंटीना से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपके पास 4 फीट डिश एंटीना पर आफ्टर 76 डिग्री ईसी बैंड सेटेलाइट सेट नहीं हो रही, ARY के चैनल आपके पास नहीं आ रहे, तो फिर आपको क्या सलूशन निकालना है। दोस्तों, मेरा ताल्लुक KPK से है, मेरे पास सबसे आप देख सकते हैं 4 फीट का डिश एंटीना मौजूद है और मेरे पास ये LNB भी अच्छी मौजूद है, सी बैंड की डबल पोर्ट वाली। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी ट्राई किया है, तकरीबन 3-4 दफ़ा मैंने ट्राई किया है KPK। मेरी लोकेशन आपको अगेन बता दूं, आफ्टर 76 डिग्री ईसी बैंड सेटेलाइट को ट्रैक करने के लिए काफ़ी मैंने 4 फीट डिश एंटीना पर इसको कोशिश किया, लेकिन मुझे इसके सिग्नल नहीं मिले। मैंने काफ़ी LNBs भी चेंज करके चेक किया, आप देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 4 टाइप्स की अलग अलग LNBs मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, ये एक अच्छी LNB है, मतलब ये आप देख सकते हैं, ये न्यू सेट की, ये इको लिंक की, और ये यूरो सेट की, और ये जो लगी हुई ये भी एक अच्छी LNB है। तो तकरीबन ये सारी LNB लगा कर मैंने फिर भी ट्रैक करने की कोशिश की है ARY नेटवर्क के सिग्नल, स्पेशली आफ्टर 7 को। तो दोस्तों, मेरी काफ़ी कोशिश के बावजूद मुझे जो है ARY के जो सिग्नल हैं वो इस 4 फीट डिश एंटीना पर नहीं मिले। काफ़ी कोशिश की है, हर तरह से मैंने ट्राई की है, ठीक है, 67 को सेट करके उसके बाद आफ्टर 7 की तरफ गए हैं, फिर भी इसके सिग्नल नहीं मिले। इसकी यही वजह है कि हमारा जो एरिया यहाँ पर आफ्टर 76 डिग्री ईसी बैंड और ARY के जो सिग्नल हैं उनका यहाँ पे कवरेज बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि अगर आपके पास ARY के सिग्नल नहीं आ रहे या आपके पास आफ्टर 76 डिग्री ईसी बैंड सेटेलाइट सेट नहीं हो रही, तो फ़लाँ LNB लगा लें तो आपके पास सिग्नल आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, LNB लगाने से इतना को खास फ़र्क नहीं पड़ता। एक सेटेलाइट आपके पास ट्रैक ही नहीं होती, तो अगर आप LNB लगाएंगे तो इतना को खास फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ़र्क पड़ता है तकरीबन 4 से 5% सिग्नल का फ़र्क पड़ता है, कहीं पे आपके पास वीक सिग्नल आ रहे हैं तो आप अच्छी LNB, जैसा कि सिंगल सोल्यूशन है या इसके अलावा और भी काफ़ी सारी LNBs हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, तकरीबन 4-5-6 हज़ार की रेंज में आती हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप 4 फीट की जगह आप 6 फीट डिश को ट्राई कर लें, 5 पर भी आ जाएंगे लेकिन 5 पर भी वो आपको डिस्टर्ब करेगी अगर आप एरिया में 4 फीट पर नहीं आते। तो एक दफ़ा का खर्चा आप 6 फीट डिश ले लें, अच्छी वाली डिश, शबीर वाली, अगर आप 5 फीट भी ले लें तो उस पर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल डिश आप 6 फीट की LNB लगाएं, सॉरी 6 फीट का आप डिश एंटीना लगाएं, और आप जो नॉर्मल LNB या सी बैंड वाली जो नॉर्मल प्राइस में आती है वो भी लगाएंगे तो आपके पास ARY नेटवर्क या एक्स्ट्रा 76 डिग्री ईस्ट जो सेटेलाइट है उसके सिग्नल आ जाएंगे। दोस्तों, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया इस डिश पर, आपको मैंने बता दिया, देखें अच्छी डिश है मेरे पास, हैवी वेट वाली डिश है, ठीक है। इसमें 4 फीट में जो डिशेज आती हैं इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आती हैं, 3-4 किस्म की क्वालिटीज़ आती हैं। दोस्तों, इनका वेट होता है, जितना लो वेट होता है उसमें इसकी प्राइस कम होगी। तो मेरे पास ये एक अच्छी डिश है, काफ़ी हैवी आप देख सकते हैं,
ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वेटेज वाली डिश है, बहुत अच्छी डिश है। इस पर मैंने हार्वर्ड को भी ट्रैक किया, मेरे पास 800 प्लस सिग्नल आए हैं, ठीक है। मतलब आप काफ़ी सारी और भी सेटेलाइट ट्रैक की हैं, लेकिन एफ्टर 7 मेरे एरिया में KPK में 4 फीट पर नहीं आ रही, और पाकिस्तान के बाकी भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर 4 फीट पर नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल भी थकने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप जो है 6 फीट डिश एंटीना लगा लें और जो सी बैंड की नॉर्मल LNB है वो लगाएं। अगर आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद है तो आपको मैं एफ्टर 7 36 डिग्री ई सी बैंड सेटेलाइट की सबसे आसान फ्रिक्वेंसी भी बता देता हूँ, साथ ARY नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी भी बता देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर शो करवा देता हूँ, ये दोनों फ्रिक्वेंसीज। पहली फ्रिक्वेंसी लगा के आप एफ्टर को ट्रैक कर लें, जब ट्रैक हो जाए फिर दूसरी ARY नेटवर्क की जो फ्रिक्वेंसी है वो लगाकर आप ARY के सिग्नल लें और ब्रांड स्कैन कर लें। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं क्योंकि 30 सितंबर के बाद ARY के जो चैनल हैं या सिग्नल हैं वो 7 से रिमूव होकर एक्स्ट्रा 7 पर चले गए हैं। दोस्तों, दूसरा हाल ये है, अगर आप इतनी डिश अफोर्ड नहीं कर सकते, मीन के हैवी डिश नहीं रख सकते, या आपके बड़ी डिशें काफ़ी सारे लोग अपने घरों में नहीं लगाना चाहते, तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप IPTV को यूज़ करें। IPTV लगा कर आप ARY के जो चैनल हैं वो आप बगैर डिश एंटीना के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको रीजनेबल प्राइस में IPTV की सब्सक्रिप्शन चाहिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो है, इस पर कांटेक्ट करें और IPTV एंजॉय करें। दोस्तों, IPTV लाइन लगाकर आप पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, रशिया, मीन के जितने भी कंट्रीज हैं, पाकसेट, एशिया सेट, एयरटेल, वीडियोकॉन, तमाम सेटेलाइट के चैनल एक ही जगह देख सकते हैं। उसकी यही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जस्ट अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मौजूद होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई भी रिसीवर मौजूद है जिसमें एक्सट्रीम IPTV की ऑप्शन हो तो आप उसको चला सकते हैं। अल्टरनेट सोल्यूशन ये है अगर आप डिश एंटीना के बगैर ARY नेटवर्क को देखना चाहते हैं। और तीसरी बात, अगर आप IPTV भी इंजॉय नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि डिश भी ना यूज़ करनी पड़े, IPTV भी ना यूज़ करनी पड़े, उसके बगैर हम ARY के चैनल इंजॉय करें, तो आप लोगों के लिए एक मैंने कमाल की ज़बरदस्त चीज़ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दिया, उसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और उस पर आपको जितने भी चैनल हैं वो देखने को मिलेंगे बगैर IPTV सब्सक्रिप्शन के। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना हाथ रखिएगा, खुदा।